हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मिस फिज़ा अंजुम, योर इंग्लिश टीचर फॉर ग्रामर एज वेल एज़ फॉर द लिटरेचर। बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर द ग्रामर लेक्चर दैट वाज रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 दैट वाज ऑल अबाउट द सिंगुलर एंड द प्लूरल। द टॉपिक नेम वॉज नाउन नंबर्स। So we have already learned about the four rules of plural noun, but today we will cover four remaining rules of the plural noun. So let's start. Rule number 5 is, if the words end in y and has a vowel before it, add s. वो वर्ड जो कि वाई पे ख़त्म होते हैं मगर वाई से पहले एक वोवल आता है तो उसके आखिर में हम सिर्फ एस लगा देंगे। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई रूल नंबर 3 दैट अगर वाई जिसके आखिर में होगा तो हम वाई को रिमूव करके वाई की जगह आई लिखेंगे और एंड में ई एस लगाएंगे। बट हियर द रूल इज़ लिटिल बिट चेंज फॉर द वाई बिकॉज वाई के पहले अगर वोवल आ जाता है, वोवल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू दैट आर शोन इन योर स्क्रीन, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं वोवल हैं, अगर पहले वाई से पहले वोवल आ जाता है तो फिर वो उसके वाई के आगे सिर्फ एस लग जाता है, हम वाई को रिमूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डोंकी का डोंकीज, बॉय का बॉयज, बिकॉज डोंकी में वाई के पहले ई आता है, ई इज़ अ वोवल, बॉय में वाई से पहले ओ आता है, ओ इज़ अ वोवल। सो रूल नंबर 6 इज, इफ़ द वर्ड्स एंड इन अ कंसोनेंट बिफोर एन ओ, एट ई एस। वो अल्फाज जो ओ पे ख़त्म होते हैं तो उसके आखिर में हमने सिर्फ ई एस लगाना होता है, एस नहीं लगाना होता। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, पोटेटो मीन्स पोटेटोज, टोमेटो का होगा टोमेटोज बिकॉज इसके आखिर में ओ लगा हुआ है, पी ओ टी ए टी ओ, तो हमने आखिर में एस नहीं लगाया बिकॉज ये वर्ड कह रहा है कि जो ओ पे ख़त्म होगा उस पर हम ई एस लगाएंगे। हियर वी यूज़ ई एस इन द एंड ऑफ द पोटेटो बिकॉज इट बिकम्स प्लूरल। एंड रूल नंबर 7 इज, सम नाउन्स डजंट चेंज व्हेन दे बिकम प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होते अगर वो प्लूरल भी हो जाए, जैसे कि शीप एंड डियर, दे विल रिमेन सेम बिकॉज ये ऑलमोस्ट जो है जो जिनकी ये स्पेलिंग सेम रहती है, जिनमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती, वो ऑलमोस्ट एनिमल ही होते हैं, जैसे कि शीप इज़ एनिमल एंड डियर इज़ एनिमल। और रूल नंबर 8 है, सम नाउन हैव अ न्यू स्पेलिंग व्हेन दे बिकम प्लूरल। यस इट इज़ राइट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर लिटरेचर लेक्चर दैट हमने माइस, एक जो माउस था मतलब चूहा था, उसको जब दो चूहों की बात कर रहे थे तो हम माइस कह रहे थे बिकॉज द प्लूरल ऑफ द माउस इज माइस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माउस का होगा माइस, चाइल्ड का होगा चिल्ड्रेन, मतलब कि यहाँ पर कोई एस आई ई एस या ओ या सी एच वगैरह कुछ भी नहीं लगना, ना ही आई वी ई कुछ भी लगना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेलिंग को चेंज कर देना है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बट दिस इज़ नॉट दैट मच कन्फ्यूजिंग, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड यू मे, एज एवरी लेक्चर इज हैविंग एक्सरसाइज इन द एंड ऑफ द लेक्चर, सो हियर वी हैव अ एक्सरसाइज दैट यू हेल्प होप टू सॉल्व इट बाई यूर सेल्फ बिकॉज मैंने आपको 8 रूल्स बता दिए हैं, वहीं जो 8 रूल्स अभी मैंने अभी आपको बताया है उसकी अगर आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपको ये वाले एक्सरसाइज करना बहुत ईजी होगा उन रूल्स को फॉलो करते हुए। सो द एक्सरसाइज इज़, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फ्राम सिंगुलर टू द प्लूरल। आपने सिंगुलर से प्लूरल करना है इसको, जैसे कि स्टोरी का क्या होगा, थिंक अबाउट इट, डे, वॉच, स्कार्फ, काइट, कॉफ, सिटी, मास, विश, मैंगोस। आप किसी घर में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं बट डू नॉट चीट, आप उनसे समझ सकते हैं। अदरवाइज यू मे रिपीट माई लेक्चर फ्राम प्रीवियस लेक्चर, ये दो लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनेंगे सो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। वी विल मीट इंशाल्लाह विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट थैंक यू, खुदा हाफिज़।